आप स्कूल नहीं जाते? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्दी नहीं है ना ही, और मैं कमा सकता हूँ जब मैं पढ़ने लग गया, और मेरे घर कोई घर में कमाने वाला नहीं है, और इसलिए मैं काम करता हूँ। जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका अपना है या रेंट पे है? रेंट पे। कितना रेंट है उसका? उसका 5। 5,000 है जी। किस जगह पे रहते हैं आप? मैं बुलेश पंप। किस जगह पे? बुलेश पंप। के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर अली। नादरीन, इस वक्त कसूर शबादहा रोड पे मैं मौजूद हूं। मेरे साथ एक नन्ही कली आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, और रात का काफ़ी टाइम हो चुका है, और ये सड़कों पे ये मास्क सेल कर रहा है। ये देखिए, इसके हाथ में मास्क है, ये सेल कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए का एक है, ये 10 रुपए का एक है। तो इसे जानते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये इतनी रात को सड़कों पर मास्क भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इतना टाइम हो चुका है रात का तो सड़कों पे मास्क बेच रहे हैं, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा के गोले पे एक्सीडेंट हुआ, वो काम नहीं करते, मैं करता हूं। आपके आप कितने बहन भाई हैं? 5। तो बड़ा आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं। अच्छा, आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और आपके घर में कोई और बड़ा भी मौजूद नहीं है, तो आप ये मास्क सेल करके अपने घर का खर्चा चला रहे हैं जी? डेली आप कितने के मास्क लेते हैं और कितने में सेल करके जाते हैं? मैं भाई 150 का डिब्बा लेता हूँ, 250-300 रुपए कमा लेता हूँ। अच्छा, 150 का डिब्बा लेके उसमें से 250-250 कमा लेते हैं। तो आज आप जब घर से निकले थे कितने मास्क लेके आए? मैं भाई डिब्बा लेके आया था। तो कितने सेल हुए अभी तक? अभी तक मेरे पास ना 200 रुपए ही है। कितने के? 200 रुपए के। अच्छा, अभी तक आपने 200 रुपए कमा लिया है, और कितने मास्क लेके आए थे, कितने बिके, कितने हैं? मेरे अंकल 20 बिके हैं। 20 बिके हैं। जब शाम के वक्त घर से निकलते हो, किस टाइम निकलते हो और वापस कब जाते हो? मैं 6 बजे आया था, 9 बजे वापस जाना है। अच्छा, 6 बजे घर से आते हो, 9 बजे वापस जाते हो, तो डेली ये काम करते हो जी? तो आप स्कूल नहीं जाते? नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास वर्दी नहीं है ना ही, और मैं कमा सकता हूँ जब मैं पढ़ने लग गया, और मेरे घर कोई घर में कमाने वाला नहीं है, और इसलिए मैं काम करता हूँ। अगर कोई आपके अखराजात उठाए, ठीक है, कोई ऐसा बंदा जो कहे कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, आप वो आपके अखराजात उठाए तो आप स्कूल जाएंगे फिर? जी। और कितने पैसे कमाते हैं? मैं भाई 200-250 रुपए कमा लेता हूँ। 200-250 डेली आप कमा के लेके जाते हैं, तो उधर बसर होता है? हम कल अल्लाह का शुक्र है, जितना भी आ जाता है अल्लाह शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका अपना है या रेंट पे है? रेंट पे। कितना रेंट है उसका? उसका 5। 5,000 है जी। किस जगह पे रहते हैं आप? मैं बुलेश पंप। किस जगह पे? बुलेश पंप। बुलेश पंप पे। तो अगर आपको कोई आपके अखराज याद उठाए, आप पढ़ लिख के, मतलब आपकी क्या ख्वाहिश है कि पढ़ लिख के मैं क्या बनूंगा, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? नादरीन, ये बच्चा मेरे साथ मौजूद है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर देखा जाए हमारे बच्चे इस टाइम रजाइयों में जो है ना वो सुकून कर रहे हैं, लेकिन ये शाम के टाइम 6 बजे बाहर निकलता है और ये मास्क सेल करके 200-250 की खातर 9 बजे तक 10 बजे तक सड़कों पे, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बाहर 10 मिनट खड़ा होना किसी अच्छे खासे इंसान की बस की बात नहीं है। तो इसके सर पर ये देखे ना कोई टोपी है और ना इसके पास चादर है, ये जैकेट बेचारे की वो भी उसकी जिप खराब है। तो खुदा रहा ऐसे आप बच्चे को ही रोड पे देखते हैं, उनकी मदद करो। और ये बच्चा भी जो है कसूर में, इसकी हराइश है, इसके पास कोई अपना नंबर मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं है। अगर कोई बंदा इनकी मदद करना चाहता है तो वो हमारे साथ रब्ता करे, हम इंशाल्लाह आप लोगों को इनके घर में लेके चलेंगे, ताकि जो बंदा इनकी मदद करे उनकी जो जितने भी वो पैसे देगा वो इनको घर इनके घर वालों को देगा। थोड़ी से थोड़ी कोई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करना चाहता है वो इनकी मदद करे। ये बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ लिख के मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि वो पढ़ लिख नहीं सकता, घर में कोई बड़ा नहीं है, बाप जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता। ये बच्चा अपने घर में बड़ा है और ये डेली 300-250 कमा के अपने घर में लेके जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बच्चे की ज़रूर मदद करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 अजरी टीवी। अल्लाह निगहबान।